स्वागत की इस अगली कड़ी में मैं डेनियल जोसेफ सर से अनुरोध करूंगी कि वो गोपाल खरगे सर का स्वागत करें। उसके बाद फिर
लोकल उनका काम है जो मेजोरिटी लोग इलेक्शन वगैरह कट करें। डिस्टर्ब ये इसलिए कह रहा हूं काम का है कि इसका अगर कोई वायलेशन करता है इसमें आगे आएगा क्लब प्रैक्टिस है या कोई वायलेशन है तो उसको आप सीधे हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। चुनाव मतदान केंद्र के अंदर अपना 100 मीटर परिधि में प्रचार वगैरह ये तो होगा वोटिंग वाले दिन, अगर जिस दिन वोटिंग हो रहा उस दिन का रहेगा। देन 131 मतदान केंद्र या उसके निकट ऐसा कर्तव्य कार्य करना जिससे कर्तव्य कर्मचारियों के कार्य में योगदान हो, कोई शाउटिंग स्लोगन चिल्ला चोट इसमें अफेक्ट होता है। देन सेक्शन 132 डिस्कंडक्ट एट पुलिस स्टेशन, अगर प्रशासनिक अफसर बोलता है मतदान है तो निश्चित तरीके से वाहन किराया पर लेना प्रैक्टिस में भी था इसमें भी है और आगे किसी की जगह इसको टेस्ट किया गया। देन 134 निर्वाचन कार्य के दौरान संबंधित पदी कर्तव्य का उल्लंघन, ये और जो इलेक्शन ड्यूटी में ऑफिसर्स लगे हैं अगर रेवेन्यू ऑफिसर्स ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर ये उनके रोल होते हैं इस सेक्शन में। देन शासकीय सेवक द्वारा मतदान एजेंट का कार्य, पर कोई भी सरकारी नौकर है किसी भी पार्टी के मतदान एजेंट का कार्य नहीं करेगा ये इसमें प्रोविजन है। मतदान दिवस पर सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य का हथियार है। सर आज आपने एक पूरा व्याख्यान दिया है यहाँ पे सारे पुलिस अधिकारियों को इलेक्शन के बारे में क्या व्याख्यान दिया था और एक किस तरह की चुनौती होती है पुलिस अधिकारियों के लिए? देखिए यहाँ जो आज है मास्टर्स ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई थी तो उसमें मेरे को जो बताया गया मेरे ने जो लोगों से टिक्शन किया है वो जो वैधानिक प्रावधान है चुनाव संबंधी भले ही वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंतर्गत आते हों अथवा IPC अथवा कोलाल अधिनियम अथवा एट्रोसिटी एक्ट अथवा IT एक्ट इन सब के जो भी चुनाव से रिलेटेड वैधानिक प्रावधान है उसके संबंध में 1-to-1 सबसे इंटरेक्शन किया गया। सर चुनौती किस तरह होती है क्योंकि एक तरह का प्रेशर भी पुलिस पे होता है और नियमों का पालन करवाना जनता से राजनीतिक पार्टियों से और इलेक्शन पूरी तरह से सुचारू रूप से कराना तो ये किस तरह की चुनौती होती है बड़ी? देखिए चुनौती अलग अलग स्थितियां निर्मित होती हैं परंतु अगर आपको वैधानिक प्रावधान विधि प्रक्रिया का बहुत ढंग से आता है आप उसमें सिद्धस्थ हैं तो आप बहुत ढंग से उन चुनौतियों का वैधानिक तरीके से सामना कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ठीक है कि आप कोई बड़ा खाना आयोजन करो या कोई बाहर में 10 मिनट चले जाओ तो उनका डिनर बनता है वो खुद ही खाना बना के आपको बुलाए। एक बार मैं सपना मुझे याद है कि वो खुद ही खाना बना के हमें बुलाते हैं आपको जाके केवल खाना है वो थोड़ा उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा ये तो 15-20 दिन पहले चुनाव के आप एक बार जाओगे तो वो अच्छा होगा। पोल से पहले की क्या ड्यूटी है? और क्या कोई कम्युनिटी है एक गांव है या एक जगह है जहाँ पे लोग जाके बार बार लोगों को धमका रहा है डरा रहा है या पैसे बांट रहा है दारू बांट रहा है तो यू कैन यूज CAPF ये लोग लोकल पुलिस से ज्यादा ये कोई कराता नहीं मैंने भी नहीं देखा मैंने एक दो जगह से यूज किया था बट एज सच वो डिपार्टमेंट लाइफ में या पूरा लाइफ में कभी नहीं आता। तो ये हम लोग बिल्कुल ध्यान रखते हैं इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए जहाँ पे 80% कर रहा है तो लगभग 85% के प्लस और माइनस 5 हो सकता है पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक गाँव से 2 किलोमीटर दूर दूसरा गाँव है और वहां पे बिल्कुल वोट को लेना तो कुछ उतार जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे वापस
करें, इसका प्लान निकल रहा है, इसका कोई प्लान नहीं निकल रहा है ये, तो यही चीज कंपनी आएगी उनको दे देंगे, उनको भी समझ में आएगा उसमें से कौन सी कंपनी को कौन सी ड्यूटी दिया है, दे ऑल्सो नो दैट। फिर उससे उनको आए साहब कुछ डेली वाइज उनको एक चार्ट बना के दे सकते हैं कि अगले 10 दिन तक इनको ये चीजें इस प्लान के अंदर इनको ये करना है, ये थोड़ा सा अब इनका सही में उद्योग चलना चाहते हैं, इनको जो इनके फोर्स का डिस्प्लॉय है वो यूनिफॉर्म में बाहर होना चाहिए। और तीसरा, आप जब ये चीजें एक कभी कुछ जगह पे जैसे बालाघाट वगैरह पे आप जो कि एक एडवाइस पार्टी भी आता है उनको प्रोवाइड होता है, और ये चीजें पहले से प्लान करके बताएंगे तब ये मिलेगा उनको, अदरवाइज तो वो भी एक जिप्सी लेके आ जाएगा आपके यहाँ या ऐसे ट्रेन में आ जाएगा, फिर आपको कहा से मिलेगा कि आप कहा से मिलेगा। हर जिले की बात नहीं है, पर अपने यहाँ पर भी चार पांच जिले हैं जहाँ पर इसकी जरूरत है। बालाघाट वाले हैं क्या? तो ये इम्पोर्टेंट जगह से तो लगा ही देते हैं, बाकी ये लोग जो जिनको मिलता है उनको ले आते हैं। ये बहुत बार बात करते हुए बोलते हैं हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं था, हमें पता नहीं था कौन सा है, उनको कोई मैप नहीं दिया, उनको कोई लिस्ट नहीं दिया। फ्लाइंग स्क्वाड बल्लर ले लिया, फ्लाइंग स्क्वाड में ये मैंने ज्यादा करके नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग CFPF को फ्लाइंग स्क्वाड या SSP वगैरह पे खर्च करके खत्म नहीं करना चाहता है इसलिए, बट अदरवाइज दे आर वेरी इफेक्टिव। अगर आपको फ्लाइंग स्क्वाड आपको लग रहा है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा दारू बढ़ रहा है, इस एरिया में ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है, तो वी शुड यूज दम, ये हमारे लिए भी फायदे की बात है कि लोकल। सर आज जो चल रहा है ट्रेनिंग, इसमें जो आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसका क्या पॉइंट रहेगा, क्या आप समझे? देखिए, इलेक्शन एक बहुत ही बड़ी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पुलिस का एक मुख्य भूमिका रहता है अन्य विभाग के साथ में, और क्योंकि हर 5 साल में एक बार होता है तो उसके पूरे ड्रिल्स और प्रोसेस जो है पुलिस को दोबारा उसमें एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने यहाँ पे सारे RIs और गैजेटेड ऑफिसर्स जो जिलों से बुलाए हैं उनको इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है कि उनको जो प्रक्रिया है पूरा बता दिया जाए। जैसे मेरे को जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं बाहर से, उनकी पूरी कैसे आने थे और जाने तक उनको किन किन कामों में उनको लगाना है, चुनाव के दिन में उनको किन किन कामों में लगाना है, और अन्य विभाग जो रेवेन्यू है, जो फॉरेस्ट है, जो अपने नगर निगम है, इन सबसे कैसे लाइसेंसिंग करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, इनको ठीक से बताना है, उसमें एक रिफ्रेशमेंट टाइप का कोर्स है। बहुत सारे इसमें से RIs जो है पहले चुनाव कर चुके हैं अधिकारी, और उनको एक रिफ्रेशमेंट टाइप का एक कोर्स दिया जाता है ताकि वो संपूर्ण प्रक्रिया उनके दिमाग में आ जाए, ताकि आसानी से हमारी चुनाव का प्रक्रिया संपन्न हो। सर, कानून व्यवस्था बनाना पुलिस के लिए चैलेंजिंग तो होता है, प्लस बाकी विभागों से कोऑर्डिनेशन करना कितना चैलेंजिंग होता है और किस तरह से उसे सुचारू तरह से किया जा सकता है? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस वाला विभाग के अलावा रेवेन्यू, आबकारी, इनकम टैक्स, फॉरेस्ट, इन सबकी बल और उनकी कुछ काम भी होता है जो प्रक्रिया होती है जो चुनाव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इन विभागों से हर प्रक्रिया में, मतलब जैसे कि बहुत सारे कैश या दारू आप पकड़ते हैं तो आबकारी और इनकम टैक्स विभाग के साथ समन्वय होना चाहिए। बहुत सारे जो पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड SSP बनते हैं उसमें रेवेन्यू के अधिकारी रहते हैं, तो और प्लस पुलिस को स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स नियुक्त करना पड़ता है, पुलिस का बल कम पड़ जाता है चुनाव में, तो वो जो बल है वो हमें अन्य विभागों से मिलता है, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह और अन्य संसाधन, गाड़ियां वगैरह रिक्वेस्ट करके रेवेन्यू विभाग देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेशन का काम है, तो उसमें जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको वो प्रक्रिया पूरा पता नहीं है, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। इसलिए प्रशिक्षण यहाँ पे रखा गया कि उनको समझ में आ जाए कि प्रक्रिया क्या है, क्या क्या चीज़ें को मन में रखना है कि जब आप प्लानिंग करते हो और उसको कैसे एक्सिक्यूट करना है। थैंक यू सर। ठीक है।